खराब मौसम में खुले आसमान के नीचे भंडारित लाखों क्विंटल धान, खराब मौसम और बारिश से खराब होने की कगार पर धान का परिवहन नहीं होने से केंद्रों में हो रही परेशानी। बालाघाट जिले में 29 नवंबर से लगातार किसानों से समर्थन मूल्य पे धान की खरीदी का कार्य किया जा रहा है। वहीं केंद्रों में किसानों की धान को खरीदने के बाद परिवहन नहीं होने से परिसर में ही लाखों क्विंटल धान पड़ी हुई है। उधर 28 दिसंबर की शाम हुई तेज बारिश से जिले के खुरसोड़ी सहित कई धान खरीदी केंद्रों में पड़ी किसानों की अधिकांश धान भीग चुकी है। हालांकि केंद्रों में धान के रखरखाव के लिए व्यवस्था तो की गई है, लेकिन धान का केंद्र से उठाव नहीं होने के चलते व्यवस्था चरमराने लगी है। वहीं केंद्र प्रभारियों की माने तो धान का समय पर परिवहन नहीं होने से दिक्कतें हो रही है। मौसम विभाग द्वारा पहले ही 2 जनवरी तक खराब मौसम और बारिश की चेतावनी जारी की गई थी। इसके लिए सभी केंद्र प्रभारियों को सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने को कहा गया था। हालांकि केंद्र में धान को बारिश से बचाने के लिए प्लास्टिक की व्यवस्था की गई है, लेकिन जितनी मात्रा में धान की खरीदी की गई है उसकी तुलना में केंद्रों की व्यवस्था ना के बराबर है। इसके पीछे की मुख्य वजह धान का परिवहन न होना बताया जा रहा है। केंद्र में आए किसानों का कहना है कि उनका धान बारिश से भीग चुका है, जब तक धान सूखेगा नहीं तब तक उनका धान नहीं खरीदा जाएगा। वहीं इस संबंध में कलेक्टर का कहना है कि धान के परिवहन का कार्य जारी है, मौसम की वजह से दिक्कतें हुई है। जहां का धान गीला हुआ है उसे सूखने के बाद उसकी खरीदी की जाएगी। हमारे द्वारा इसकी लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। वर्तमान में चूंकि मौसम को देखते हुए कल और परसों किसान की आवक ज्यादा हुई है, हमारे जो एक दिन की खरीदी है वो लगभग 15,000 MT के आसपास की चल रही है। उसको देखते हुए जो कल का अनुमान है वो हमको लग रहा है कि 6,000 से 7,000 बोरे हमारे गीले हुए हैं। हमारी आगे की जो कार्य योजना रहेगी कि जो जहां कच्चे फ्लोर पे खरीदी हो रही है और हमारा थक्के लगे हुए, वहां से आज हमारे ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांसपोर्टेशन हो जाएंगे